स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में ग्रुप में बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। ये जो चीज हुई है ना, ये इज़राइल की नींद उड़ाने वाली चीज हुई है। और इस चीज को किसने किया है? इस चीज को किया है ये जो बीच में खड़े हैं यहाँ पर, चाइना के विदेश मंत्री ने। जाहिर सी बात है, चाइना ने इज़राइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। 14 दुश्मनों को एक साथ ले आया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है मिडिल ईस्ट में। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्या है, इजराइल और चाइना के बीच में टेंशन क्यों बढ़ता जा रहा है और बहुत ही दूर का गेम कैसे खेल दिया है चाइना ने। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को भारत की एक शादी पसंद नहीं आई है, जिसके बाद कुछ बयान से आने शुरू हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक जमाने में चाइना और इजराइल दोस्त हुआ करते थे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और ऐसे पक्के वाले दोस्त कि चाइना का J-10, ये जो फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट उस फाइटर जेट की नकल है या एडवांस वर्जन है जो चाइना और इजराइल मिलकर बना रहे थे। इजराइल और चाइना फाइटर जेट बना रहे थे, हथियारों की लेन देन कर रहे थे, सब कुछ चाइना के साथ अच्छा ही चल रहा था। फिर अचानक से अमेरिका को चाइना के बारे में पता चल जाता है और अमेरिका की पॉलिसी चाइना के लिए बदल जाती है। जब अमेरिका की पॉलिसी बदलेगी तो जाहिर सी बात है इजराइल की भी पॉलिसी बदलेगी और इजराइल की भी पॉलिसी बदल जाती है। इजराइल उस फाइटर जेट को आधे अधूरे छोड़ देता है और उसके बाद अपग्रेड करने से बहुत सारी चीजों को मना करना शुरू कर देता है और चाइना की नजरों में खटकने लगता है। ऐसा खटकता है कि इजराइल को जहां भी गिराने का मौका मिलता है चाइना छोड़ता नहीं है। इसका एक बड़ा एग्जांपल देखिए, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, UN का ये वीडियो है और इस वीडियो में इजराइल के प्रतिनिधि बोल रहे थे कि जो चीजें हुई हैं, जो इजरायली औरतों के साथ भी हुई हैं, उसको लेकर भी अगर आप कुछ कह नहीं रहे हैं तो गलत है, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। ये आधा बोल ही रहे थे कि इन्हें रोक दिया जाता है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। और यहाँ चाइना के जो प्रतिनिधि हैं उनकी अध्यक्षता में हो रहा था, वो यहाँ टोका टोकी करते हैं। इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के सपोर्ट में चाइना हमेशा से देखने को मिलने लगा है। अब इस बार जो चाइना ने किया है ना, वो एकदम से एक अजूबा था जिसे कर दिया गया है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। ऐसे समझिए कि एक युद्ध और छेड़ दिया है चाइना ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब वो युद्ध क्या है तो आपको बता दूं, दरअसल जब इजराइल फलस्तीन की जमीन पर पहुंचे थे और धीरे धीरे इन्होंने अपना यहाँ वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ कि फलस्तीनियों ने एक ग्रुप, राजनीतिक ग्रुप की तैयारी की फतह 1959 में। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं 1950 के आसपास सुगबुगाहट लेनी शुरू कर दिया था इस ग्रुप ने। और इस ग्रुप के निर्माण के बाद मोहम्मद अब्बास, जो कि अभी भी इसे लीड करते हैं, फतह ग्रुप बना। और जब फतह ग्रुप बन गया तो फतह ग्रुप राजनीतिक समाधान चाहता था और ये उदारवादी थे, बातचीत करके मामले को हल करना चाहते थे। लेकिन यहाँ हमास को ये चीज पसंद नहीं था और अचानक से एक नए ग्रुप की स्थापना हो जाती है और इस ग्रुप का नाम पड़ता है हमास। हमास क्या करता है, 1987 में इस हमास कट्टरपंथी संगठन का अस्तित्व आता है, जो यहाँ पर धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ एकदम हिंसा पर उतारू हो जाता है और हिंसा वाले रास्ते को अपना लेता है। अब फिलिस्तीन के अंदर दो गुट हो गए थे, एक फतह गुट हो गया था, एक हमास गुट हो गया था। बढ़ते बढ़ते सब में आपस में कुछ न कुछ मतभेद थे और ये बढ़ते बढ़ते कितने ग्रुप हो गए, करीब 14 ग्रुप हो गए। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। मिलिशिया पैदा हो गई। अब मिलिशिया समूह ने विद्रोह कर दिया,
सैकड़ों लोग उस समय भी मारे गए। फिलिस्तीन में अब मिलिशिया का भी खेल शुरू हो गया। जब मिलिशिया का खेल शुरू हो गया तो इजराइल का काम और ज्यादा आसान हो गया। अब यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, ऐतिहासिक समझौता करा दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन वीडियोस को, इसे शेयर किया जा रहा है स्पुतनिक इंडिया के द्वारा, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इन ग्रुप के नेताओं को बुलाया गया बीजिंग में, चाइना में बुलाया गया, और चाइना में बुलाने के बाद एक एग्रीमेंट को साइन किया गया। इसमें सब आपको साइन वाइन करते हुए 14 के 14 ग्रुप के ये नेता वगैरह दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनके पहुंचने का क्या मतलब है। इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और वो जॉइंट स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना दिखा रहा है कबूतर उड़ाकर कि हम यहाँ शांति स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन मामला क्या है, जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़िए। इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये क्या कहते हैं, पहले वाले में ये कहते हैं कि फिलिस्तीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानेगा, यानी कि आईसीजे ने जो ऑर्डर दिया है, फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज इनका कहना है कि हम फॉलो अप करेंगे हर एग्रीमेंट का, ताकि हम में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। इजिप्ट से, अल्जीरिया से, चाइना से, रूस से मदद लेंगे और यहाँ अपने मतभेदों को दूर करेंगे। इसके बाद इनका कहना है कि हम कमिटमेंट रखेंगे कि हम एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट बनाएंगे, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोगों की रक्षा करेंगे और यूएन चार्टर के हिसाब से करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे पन्ने में जाएंगे, हम एक टेम्प्रोरी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे फिलिस्तीन में, ताकि बेसिक लॉ को बनाया जा सके। इसके अलावे ये कहते हैं कि जो फॉर्म्ड गवर्नमेंट होगी उसका क्षेत्र जो होगा पूरा फिलिस्तीन टेरिटरी होगा, वेस्ट बैंक, अल कुद्स, गाजा स्ट्रिप, ये सब कुछ होगा। ये सारी चीजें जो जॉइंट डिक्लेरेशन की है वो बता रही हैं कि चाइना ने 14 ग्रुप को एक करके फिलिस्तीन को जिंदा रखा है। और फिलिस्तीन को जिंदा रखने का मतलब क्या है, इजराइल के लिए एक बड़ी टेंशन, और इजराइल जो चाह रहा है वो नहीं होगा। अब इजराइल के लिए अगर टेंशन होगा तो फिर अमेरिका के लिए भी टेंशन होगा। एक बड़ी रणनीतिक गेम यहाँ पर खेली जा रही है, ताकि इजराइल को भी उलझा कर रखा जाए। भारत के लिए समस्या क्या है, हाइफा पोर्ट, भारत का इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज्यादा इस वक्त समस्या में रह सकता है। वैसे आपको अभी तक इनके बीच में जब भी सुलह हुआ है वो कायम नहीं रहा है, देखने वाली बात होगी। सऊदी और ईरान में भी चाइना ने सुलह कराया है, अब आगे क्या होता है। पर इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि इस चाइना के सोशल मीडिया में भारत के मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि इस शादी में इतना ज्यादा पैसा बहाया गया, जबकि भारत में जरूरत थी, भारत के लोगों को पैसे की जरूरत थी, गरीबी बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह। हालांकि इसका जवाब भी दिया गया, जिसमें यहाँ पर यूएस की एक भारतीय ने जवाब देते हुए कहा कि तुम जिसके बारे में बोल रहे हो उसके साथ तो तुम्हारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां काम करने के लिए आतुर रहती हैं, साथ ही साथ तुम्हारे राजदूत भी गए थे। बात तो सही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजदूत भी शादी में आए थे और खा पी के गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।